हाय गाइस, स्वागत है आपका नए और एक वीडियो में। तो दोस्तों, आप अपनी कार के अंदर फॉग लैंप्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर हॉर्न को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर अपनी कार का जो कंडेंसर है या फिर रेडिएटर है उसे क्लीन करना चाहते हैं, तो उसे क्लीन करने के लिए आपको अपनी कार का जो फ्रंट बम्पर है वो खोलना पड़ेगा। इसके बाद ही आप अपनी कार का जो कंडेंसर है या रेडिएटर है या फिर अपने हॉर्न है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे पास हुंडई वर्ना फ्लूडिक है, तो आज मैं आपको इस कार का जो फ्रंट बम्पर है वो खोल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसे खोलने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नट बोल्ट दिए होते हैं, तो उसे खोलने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुश टाइप दी होती है, तो इसे खोलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे टायर होता है, इसके ऊपर जो फेंडर होता है यहाँ पे एक बोल्ट दिया होता है, तो वो खोलना पड़ेगा। तो यह सब खोलने के बाद जो कार का जो फ्रंट बम्पर है वो निकल जाएगा दोस्तों। और नीचे की ओर से भी 5 बोल्ट होते हैं, तो वो खोलने पड़ेंगे। तो वह इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों थोड़ी सी कम है, तो जिसकी वजह से मैं नीचे की ओर से आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन नीचे के जो बोल्ट है वो मैंने पहले से ही खोल लिए हैं। तो ऊपर के जो बोल्ट है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो बोल्ट है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो नट बोल्ट है वो खोल दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पुश टाइप दी होती है, तो इसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, बम्पर से जुड़े सभी नट बोल्ट को मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नट बोल्ट थे वो सभी निकाल दिया, यहाँ पे पुश टाइप थी वह भी निकाल दिया। और नीचे की ओर से जो 5 बोल्ट दिए होते हैं वह भी मैंने निकाल दिया है दोस्तों। और टायर के ऊपर जो फेंडर होता है यहाँ पे एक स्क्रू दिया होता है वह भी मैंने निकाल दिया है। तो दोस्तों, ये जो पूरा बम्पर है यहाँ पे जो लॉक दिया होता है उस पर टिका हुआ है, यहाँ से इस निकाल देंगे तो जो बम्पर है वो नीचे भी गिर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं नीचे की ओर से जो टायर रख रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस टायर को नीचे रख देंगे तो बम्पर होता है वो नीचे नहीं गिरेगा और बम्पर के नीचे स्क्रैच भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टायर रख लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लॉक दिया होता है वह बड़ी आसानी से नहीं खुलेगा, आपको इसे थोड़ा सा प्रेस करना होगा, थोड़ा दबाएंगे तभी यह खुलेगा। तो दोस्तों, आपको यह जो लॉक है संभाल के खुलना है, क्योंकि यह जो लॉक टूट भी सकता है। तो लॉक टूट गया तो यह जो लॉक है मार्केट में जल्दी से अवेलेबल भी नहीं होता है, तो आप उसे ध्यान से खोलें। तो मैं आपको यह जो लॉक है वो खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉक दिया होता है वो मैंने खोल दिया है। तो उसे खोलने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उसे दबाएंगे तो ये जो लॉक है खुल जाता है दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं दूसरी ओर भी जो लॉक दिया होता है वो आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉक दिया होता है वो मैंने खोल लिया है, तो जो बम्पर है कार से अलग हो चुका है। तो दोस्तों, आपको अपनी कार का जो बम्पर है वो जोर से नहीं खींचना है, क्योंकि जो फॉग लैंप होते हैं उसके जो कनेक्टर होते हैं, जो वायरिंग होती है, तो वो प्लग होते हैं, वो टूट सकते हैं। तो आप इसे थोड़ा सा बाहर निकालिए, इसके बाद आप उसे जो बम्पर के जो प्लग होते हैं वो रिमूव कर लीजिए, उसे हटा लीजिए। इसके बाद आप अपनी कार का जो बम्पर है वो निकाल सकते हैं। तो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉग लैंप्स होते हैं उसके जो वायरिंग होती है उसका जो प्लग होता है, तो यहाँ से आपको निकाल देना है। तो इसी तरीके से दोनों तरफ आपको जो फॉग लैंप के जो प्लग है वो निकाल देने हैं। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल देता हूँ। तो दोस्तों, जो फॉग लैंप होता है उसके जो प्लग होते हैं आप देख सकते हैं मैंने इसे अलग कर लिया है। तो अब मैं इस बम्पर को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कार का जो फ्रंट बम्पर है मैंने खोल लिया है यहाँ पर। तो दोस्तों, आपके पास भी हुंडई वर्ना फ्लूडिक है तो इसका जो बम्पर है वो आप निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरी कोई भी कार है तो उसका जो बम्पर है वो निकालना चाहे तो सबसे पहले यहाँ पे जो बोल्ट दिए होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, वो सबसे पहले खोल देना है। इसके बाद यहाँ पर जो फेंडर होता है यहाँ पर एक स्क्रू दिया होता है वो खोल देना है। यहाँ पर जो लॉक होता है वो आपको संभाल के खोलना है। इसके बाद नीचे की ओर से जो 5 बोल्ट दिए होते हैं या फिर नीचे की ओर से जो बम्पर से जुड़े जो बोल्ट होते हैं वो सभी आपको खोल देना है। इसके बाद जो कार का जो फ्रंट बम्पर है वो निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि आपको दिखाना था कार का जो बम्पर है वो कैसे खोले, तो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे।